सपने क्या होते हैं, आखिरकार हमें अपने सपनों को पूरा करने के लिए क्या करना चाहिए। तो हेलो एंड वेलकम गाइस, मेरा नाम सुनील और आप देख रहे हैं मंडला टीवी यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है कि सपने क्या होते हैं। आप लोगों ने अक्सर सुना होगा लोगों के बीच में बातें करते हुए कि भाई साहब, सपने वो होते हैं जो सोते हुए नहीं जागते हुए आते हैं, कुछ इस तरीके की बातें आपने सुना होगा। लेकिन मैं आप लोगों से इसके बारे में बहुत ही क्लियर करना चाहता हूं कि देखो, ये दो वर्ड हैं, पहला स्वप्न, दूसरा सपने। सपने इज अ डिफरेंट वर्ड एंड अ स्वप्न इज अ डिफरेंट वर्ड। स्वप्न जब आप निद्रा की मुद्रा में होते हो और आपके दिमाग के किसी कोने में छुपा हुआ कोई एक छोटा सा विचार जो आपको निद्रा की अवस्था में भयभीत कर देता है, वो उसे हम स्वप्न कहते हैं। एंड द सेकेंड वर्ड सपने, सपने दैट इज कॉल्ड ड्रीम, जिसे हम ड्रीम भी कहते हैं। तो दोस्तों, ड्रीम वो चीज है जिसे हम बोलते हैं कि ख्वाब, मतलब कि ये वो चीज है, इसमें आपको दिन रात इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, बल्कि ये तो आपके जीवन जीने का एक जरिया होता है। और आपको पता होना चाहिए कि आपका सपना क्या है। यदि नहीं पता है तो जल्दी से खोज लीजिए, क्योंकि विदाउट सपना, मतलब यानी कि विदाउट एम, आप अपनी लाइफ में अगर जी रहे हो तो आपकी लाइफ जीना व्यर्थ है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम क्लियर करते हैं कि भाई सपने होते क्या है। तो दोस्तों, सब सिंपल सा वर्ड है, यदि मुझे एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचना है तो मुझे सबसे पहले तो ये डिसाइड करना होगा कि मुझे दूसरी जो जगह जानी है या जिस डेस्टिनेशन पे जाना है, वो जगह का डेस्टिनेशन है कौन सी। तो उसे ही हम एक ड्रीम का नाम दे देते हैं कि मुझे ये जाना है, यहाँ जाना है, कि मुझे यहाँ जाना है, मुझे यहाँ पहुंचना है, मुझे ये कार चाहिए, मुझे ये घर चाहिए, मुझे ये बंगला चाहिए, मुझे ये स्मार्टफोन चाहिए। ये सब छोटे छोटे सपने हैं। हो सकता है सपने और भी बड़े, सपने आपके हिसाब से आप सिलेक्ट कर सकते हो कि मुझे कितना बड़ी चीज चाहिए, क्या चाहिए, मुझे अपना एम बड़ा रखना है, मुझे अपना गोल बड़ा रखना है। तो यही सारी चीज ड्रीम कहलाती है, सपना कहलाती है। तो दोस्तों, अब तक तो आपको दो चीजें क्लियर हो चुकी होंगी कि पहला कि सपने होते क्या है, सपना मतलब कि एक डेस्टिनी है, डेस्टिनी, और उस डेस्टिनी में पहुंचना हमें एक सपने का नाम दे देते हैं। और ये स्वप्न और सपने दोनों में बहुत डिफरेंट है। स्वप्न जो निद्रा मुद्रा में आता है, और स्वप्न और सपने वे होते हैं जो हमें सोने नहीं देते, बल्कि सोती हुई मुद्रा में भी वही चीज रिमाइंड होता है कि मुझे ये करना है, मुझे ये पाना है, मुझे ये ऐसा करना ही करना है। तो अब बात करते हैं दोस्तों कि हम आखिर ऐसा क्या करें कि हम अपने सपनों को पूरा कर पाएं। तो दोस्तों, अपने सपनों को पूरा करने के लिए हमें एक प्रोसेस अप्लाई करनी पड़ेगी, और इस प्रोसेस में 3 स्टेप है। पहला, आपको सबसे पहले एक गोल डिसाइड करना है, गोल यानी कि एम डिसाइड करना है। दूसरा, आपको विजुलाइजेशन करना है। और तीसरा, सारी एनर्जी, सारी की सारी एनर्जी जो आपके अंदर है, उस एनर्जी को आपको हार्ड वर्क में कन्वर्ट कर देना है, ताकि वो जो सपना है आपका, उस चीज को आप रियलिटी में पा सको। तो दोस्तों, चलिए इन तीनों स्टेप को हम थोड़ा सा ब्रीफली समझते हैं। पहला स्टेप है एम। दोस्तों, ये बताइए आप, यदि किसी पत्र में हम जिस जगह पे पत्र को भेजना है वहां का एड्रेस ना लिखें, तो क्या वह पत्र एक जगह से दूसरी जगह या परफेक्ट एड्रेस पे कभी पहुंचेगा? नहीं। यही हमारी लाइफ के साथ भी होता है, और यही एक एग्जाम्पल था जो प्रैक्टिकली एग्जाम्पल है कि एक पत्र में विदाउट एड्रेस आप उसको अगर पोस्ट करते हो तो वो कभी भी अपनी डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंचेगा। तो इसी तरह जो एम होता है, सपना होता है, सपने का जो फर्स्ट स्टेप है एम, वो क्या होता है? एम होता है, एम मतलब कि हमें कहां पहुंचना है। हमारे पास पहले हमारे गोल क्लियर होने चाहिए, हमें डिसाइड होना चाहिए कि हमको पहुंचना कहां है। तो ये होता है हमारा एड्रेस। तो पहला स्टेप तो ये हुआ, और विदाउट एड्रेस आप कहीं नहीं जा सकते। यदि अब तक आपके पास कोई एम नहीं है लाइफ में, कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है, या तो कोई ड्रीम नहीं है, तो जल्दी से जल्दी आप
अपना एम डिसाइड कर लीजिए कि मुझे लाइफ में ये अचीव करना है, मुझे ये पाना है, और उसके बाद जो सेकंड स्टेप आता है वो है विजुअलाइजेशन, यानी कि कल्पना। दोस्तों यकीन मानिए, अब पहला स्टेप आप डिसाइड कर चुके हैं कि मुझे ये चीज पाना है, तो आप अपने अंदर ही अंदर में विजुअलाइज कीजिए, यानी कि कल्पना कीजिए, इतनी कल्पना कर सको जितनी कल्पना कर सको उतनी कल्पना कीजिए कि मुझे ये चीज पानी है, मैं कैसे पाऊं। अपने आप से क्वेश्चन कीजिए, उसके बारे में सोचिए, उसके बारे में लोगों से पता कीजिए, चर्चा कीजिए। उससे होता क्या है दोस्तों, होता ये है कि जब हमारे दिमाग में ये चीजें गूंज रही होती हैं कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, उससे हमारा जो दिमाग होता है ना वो फ्रिक्वेंसी छोड़ता है। कहां पे छोड़ता है, कौन सी फ्रिक्वेंसी छोड़ता है? ये छोड़ता है नेचर में फ्रिक्वेंसी। नेचर मतलब ये जो प्रकृति है, ये जो दुनिया है, ये ब्रह्मांड है, इसमें हमारा जो दिमाग है एक प्रकार से रेडियो फ्रिक्वेंसी जैसी फ्रिक्वेंसी हमारा दिमाग भी जनरेट करके इस एटमॉस्फेयर में छोड़ता है, और वही फ्रिक्वेंसी किसी अनदर व्यक्ति के पास जो इस तरीके का आइडिया होता है वो भी छोड़ रहा होता है। तो जब ये फ्रिक्वेंसी आपस में मैच करती है तो वहां से रिटर्न होके आती है, या कहें ये यूनिवर्स में जो पॉजिटिव एनर्जी है वहां से टच होकर कोई ना कोई दुनिया से एक आइडिया लेकर आती है, और वही फ्रिक्वेंसी हमें एक आइडिया देती है, हमारे अंदर एक थॉट जनरेट करती है, और हमें उस चीज के किनारे पहुंचने का 1% और इंप्रूवमेंट होने का एक आइडिया जनरेट करती है हमारे अंदर। और वही सोच जो हम विजुलाइज कर रहे हैं, धीरे 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 हमको यकीन होने लगता है कि ये 100 स्टेप हैं, ऐसा कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं हमारे सपने को पूरा करने के लिए। हम ये जब विजुलाइजेशन के दौर में आप गुजर रहे होते हो तो आपके अंदर 1000 स्टेप आते हैं, और उन 1000 स्टेप में आपका दिमाग कैलकुलेट करता है, वो जो फ्रिक्वेंसी आ रही होती है 1000 फ्रिक्वेंसी, जो पॉजिटिव एनर्जी जो आपने छोड़ी है और उसका जो आंसर लेके आ रही है जो फ्रिक्वेंसी, वो फ्रिक्वेंसी बेस्ट फ्रिक्वेंसी को चुनती है, और वही फ्रिक्वेंसी आपको एक आइडिया थॉट जनरेट करते हैं, और उसी थॉट आइडिया के सहारे आप अपने आप को कुछ ना कुछ करने के लिए ट्राई करते हो, और वही जो ट्राई है दोस्तों, वही ट्राई है आपको डे बाय डे 1% थोड़ा थोड़ा इंप्रूवमेंट करते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों कि तीसरा स्टेप कौन सा। तीसरा स्टेप दोस्तों ये है हार्डवर्क का। दोस्तों हार्डवर्क, आपको इतना हार्डवर्क करना है कि आपका जो सपना है, आपका जो ड्रीम है, वो ड्रीम अब किस तरीके से जल्दी से जल्दी जल्दी से जल्दी जल्दी से जल्दी पूरा हो सके, और इसी ड्रीम को पूरा करने के लिए आपको अब अपने उसी एम को कंप्लीट करने के लिए जो आपने सोचा है, जो आपने एम डिसाइड किया है, जो आपका गोल है कि लाइफ में मुझे ये अचीव करना है, मुझे अपना घर लेना है, मुझे अपनी कार लेनी है, मुझे एरोप्लेन में घूमना है, मुझे विदेश जाना है, मुझे अमेरिका जाना है, ये सारी चीजें जो आपने सोच रखी थी उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको अब हार्डवर्क करना है। हार्डवर्क, अब दोस्तों यहां पे कंफ्यूज नहीं होना, कुछ लोग ऐसा भी बोलते हैं कि दोस्तों मैं तो हार्डवर्क नहीं करूंगा, मैं तो स्मार्ट वर्क करूंगा। अरे पगलों, सबसे बड़ी बात देखिए, दुनिया में जहां पे भी आप जाओगे ना, सबसे पहले आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा। हार्डवर्क जब आप कर लोगे ना, तो उसी काम को आप कुछ समय बाद बिना सोचे स्मार्ट वर्क कर लोगे, 100% बिना सोचे स्मार्ट वर्क कर ही लोगे। और स्मार्ट वर्क करने के लिए क्या है, कुछ थोड़ी ना लगता है, बस जो काम पहले आप धीरे धीरे सीखने की प्रोसेस में थे, वही प्रोसेस अब आप फास्ट करने लगोगे, तो यही तो स्मार्टनेस है। और उसमें जो जो चीज की रिक्वायरमेंट रहेगी, जो जो चीज चेंज करनी होगी, वो आप अपने हिसाब से कर लोगे, तो इसी को तो स्मार्टनेस कहते हैं। तो सिंपल सा फंडा है दोस्तों कि आप भी अपना गोल डिसाइड कीजिए, उस गोल को डिसाइड करने के बाद अपने सपने को पूरा करने के लिए आप विजुअलाइजेशन यानी कल्पनाओं की दुनिया में जाइए, नेचर को बताइए कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए ही चाहिए, और उसके बाद उसको पूरा करने के लिए उसको इंप्लीमेंट कीजिए, और इंप्लीमेंट करने के लिए आपको करना पड़ेगा हार्डवर्क। तो दैट इज कॉल्ड, तो तीसरा स्टेप है हार्डवर्क, जो आपको करना ही करना, और इसके बाद आप देखोगे दोस्तों कुछ ही समय में कि आपका जो ड्रीम था वो अब रियलिटी में बदल चुका है। यकीन मानिए, जिस दिन आपका ये गोल कंप्लीट हो जाता है उस दिन आपको इतनी खुशी मिलेगी, इतनी खुशी मिलेगी, इस ड्यूरेशन में आप पहले जो व्यक्ति थे वो व्यक्ति अब नहीं रहोगे, आप पूर्ण रूप से चेंज हो जाओगे। तो इसी बदलाव से जब आप गुजरोगे ना, तो उसमें ही एक आप जेंटल पर्सन बन जाओगे, यानी कि
आपको आपकी सोच ने कहां से कहां पहुंचा दिया और एक आम आदमी से एक स्पेशल आदमी में आप कन्वर्ट हो जाओगे। तो दोस्तों एक छोटी सी कविता है जो आपने भी सुनी होगी कि नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, कि नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है चढ़ी दीवारों पर सौ सौ बार फिसलती है, कि चढ़ी दीवारों पर सौ सौ बार फिसलती है और आखिर उसकी ये मेहनत बेकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो दोस्तों और भी इसी तरीके के इंटरेस्टिंग मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।